जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग अब सबके आंसर आपको मिल गए हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी ने उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, वो मैंने आपको जो पिछली वीडियो है उसमें पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, हो सकता है जो क्वेश्चन आप लोगों ने पुट अप किए हैं या किसी और ने पुट अप किए हैं वो आपका भी आंसर आपको उसमें मिल जाए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर जो हमारा LLB LLM है तो उसकी क्या डेट शीट चेंज होगी। बिल्कुल 100% होगी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, LLB फर्स्ट सेमेस्टर की भी और LLB सिक्स सेमेस्टर की भी, जो आपका 3 ईयर LLB है और आपका जो BA LLB है यानी कि जो उसका 5 ईयर का कोर्स है उसमें आपका 10वें सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी अभी जारी की जाएगी फिर दोबारा से। इसके बाद में आपका LLM के फर्स्ट सेमेस्टर और आपका 4th सेमेस्टर की जो डेट शीट है वो भी फिर दोबारा से जारी की जाएगी, वो अभी जारी नहीं की गई है, जो पहले जारी की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद में आगे बात करें, बच्चे BEd को लेकर कंफ्यूज हैं, तो BEd के लिए जो यूनिवर्सिटी ने संकेत दिए हैं वो आपके जो एग्जाम है 20 जुलाई से कराए जाएंगे, यानी कि आपके एग्जाम 20 जुलाई से आपके स्टार्ट कराए जाएंगे, यानी कि वो 8 जुलाई से स्टार्ट नहीं होंगे। BEd 2 ईयर में आपके जो फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं तो वो आपके जो एग्जाम है वो आपके 20 जुलाई से कराए जाएंगे BEd 2 ईयर के, और फर्स्ट ईयर को जो चांसेस हैं कि उनके 99.99% चांसेस हैं कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा। दूसरा है, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये जो चॉइस वाला सिस्टम है जो हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं तो क्या उसमें भी हमें इसी तरीके से चॉइस मिलेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको चॉइस उसमें नहीं मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको जो पिछली वीडियो है पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, यानी कि जैसे आपके BBA के BCA के आपके 6th सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं या BGMC है और भी कोई भी कोर्स है आपका सेमेस्टर मोड का, तो उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। उसमें आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सभी कोड के आपको पेपर देने होंगे। वो जो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा वो आपका BA BSc BCOM और आपके जो भी कोर्सेज हैं उनके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जस्ट इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। दूसरा है, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर जो हमें कोड चॉइस करना है यानी कि जो हमारे BA BSc BCOM के पेपर होने हैं उसमें से जैसे हमें एक कोड सेलेक्ट करके उसका पेपर देना है तो क्या वो हमें चॉइस अभी करनी होगी या एग्जाम टाइम पे करनी होगी। वो जो चॉइस आपको करनी है वो आपको एग्जाम टाइम पे करनी है, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अब वहां से बोल देंगे सर हमें जो है इस कोड का पेपर देना है, इस कोड का पेपर हमें नहीं देना है। जैसे कि मैंने आपको डेट शीट में समझा है, एक एक दिन में आपके जो जैसे किसी सब्जेक्ट के 3 कोड हैं तो आपको उसमें से यदि किसी भी एक का कोड का पेपर देना है तो आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यानी कि जो हमारे सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें आपको सभी जितने भी आपके कोर्सेज हैं उनके पेपर आपको देने होंगे, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपको पेपर देने होंगे। कुछ बच्चे वेबसाइट को लेकर परेशान हैं, तो वेबसाइट प्रॉपरली थोड़ा सा वर्क नहीं कर रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप यदि डेट शीट देखना चाहते हैं कोई भी चीज है तो वो मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट की हुई है, आप फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। जितने भी नोटिस जारी होते हैं, जो भी कोई न्यूज आती है, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर आती है, वो सब मैं सुबह मॉर्निंग में अपने फेसबुक पेज पर अपडेट करता हूं, तो आप फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या आप अपने फेसबुक पर जाकर सर्च कर सकते हैं अमित चौहान सर, तो आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर जितनी भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबर है वो आपको मिलती रहेंगी। और साथियों यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आपको पता है कि एवरी संडे हम आते हैं लाइव 8 बजे, तो मिलते हैं आपसे 8 बजे लाइव, जो 8 बजे अपना अलार्म सेट कर लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे लाइव 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।